हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया एक कमाल की वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपको मैं आप सिखाऊंगा कि आप कोई भी मूवी डाउनलोड कैसे कर सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर डबिंग की हुई कोई भी मूवी हो। तो आप उसे फुल HD में या फिर जो भी क्वालिटी अवेलेबल है अच्छी सी, उसमें एकदम अच्छे क्वालिटी में और फास्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कैजुअली मतलब ऐसे मूवीज़ डाउनलोड करते हो तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जब भी आप मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए छोड़ते हो तो या तो वो फेक निकलती है या फिर उसका जो सर्वर होता है वो डाउन होता है। यानी कि आपका स्पीड चाहे मोबाइल का कितना भी हो लेकिन मूवी जल्दी जल्दी डाउनलोड नहीं होती, और ये प्रॉब्लम हर एक को या फिर मैक्सिमम लोगों को होती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी साइट्स बताऊँगा और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका डाउनलोड बहुत ही तेज़ होगा और एकदम सही से डाउनलोड चलेगा और कोई भी फेक यहाँ पे जो मूवी है वो आपको नहीं मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ मैं इंस्ट्रक्शन बताना चाहूँगा मूवी डाउनलोड करने से पहले। दो इंस्ट्रक्शन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली, आपके पास ऐप होना चाहिए दो। पहला ऐप है ADM, ऑल डाउनलोड मैनेजर नाम से, सॉरी अल्टरनेट डाउनलोड मैनेजर ऐसा कुछ है, वो आपके पास होना चाहिए ADM। और दूसरा UC ब्राउज़र, मैं रिकमेंड करूँगा UC ब्राउज़र हो, वरना क्रोम भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है UC ब्राउज़र, और आपको दोनों ही ऐप्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक ADM की और UC ब्राउज़र। तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, वैसे ADM भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। तो हमें सबसे पहले जो है दोस्तों, मूवीज़ फ्लिक्स नाम की जो एक साइट है उसे सर्च करना है। देखिए, मेरे यहाँ पे रिसेंट्स में ही आ चुकी है। तो इसे सर्च करने के बाद, तो दोस्तों मूवीज़ फ्लिक्स सर्च करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, themoviesflix.com और ये moviesflix.de। तो सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस रहेगा वो moviesflix.de पे रहेगा, क्योंकि दोस्तों मतलब ऐसा है कि जो ऊपर वाली साइट है उस पर ऐड बहुत आती है, तो इसलिए आपको नीचे वाली वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। और अगर आपका यूसी ब्राउज़र में ऐड ब्लॉकर ऑन है तो उसे ऑफ़ कर दीजिए, वरना आपकी मतलब डाउनलोड नहीं हो पाएगी मूवी। तो जैसे अगर आपको थोड़ा भी मूवीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि एक्सट्रैक्शन नाम की जो एक फिल्म है वो अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में फ़िलहाल तो वही मूवी है। और ये मैं दो मतलब जब से वो रिलीज़ हुई है उसके जस्ट 3-4 घंटे से देख रहा हूँ ये एक्सट्रैक्शन यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आई हुई है। तो इस मतलब इस वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे ऐड आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि मूवीज़ फ्लिक्स जब तक साइट ओपन है तब तक ही उस लिंक पे रहना है। अगर कोई दूसरी लिंक जैसे अभी ओपन हुई थी वैसे ओपन होती है तो उसे बैक कर देना है। तो आपको पहले जो भी मूवी डाउनलोड करनी है उस पर जाना है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो जो मूवी चाहिए वो। फ़िलहाल मैं आपको डेमो के लिए जो अभी रिलीज़ हुई एक्सट्रैक्शन मूवी है उसके डाउनलोड करके दिखा दूँ। तो हमें एड्स को बैक करना है और मूवी पे क्लिक करना है। मूवी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो दिखाएगा, मूवी का नाम दिखाएगा, ये रिलीज़ की डेट बताएगा, और यहाँ पे कितनी मिनट की है वो, 116 मिनट, और उसका जेनर क्या क्या है, एक्शन और ड्रामा, वो बताएगा। यहाँ पे स्टोरी लाइन और स्क्रीनशॉट है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो दोस्तों कि स्क्रीनशॉट में वो कितना क्लियर स्क्रीनशॉट आपको बता रहा है। और इसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है, 480p, 720p और 1080p। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप मूवी को डाउनलोड को लगा सकते हो। तो मैं 1080p पर क्लिक करता हूँ, और हर स्टेप पे आपको एक बार ऐड आएगी, उसे बैक करने के बाद आप जब भी उस बटन क्लिक करोगे तब वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अब यहाँ पे फास्ट सर्वर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद मतलब अब आपका 90% जो काम था वो हो चुका है। तो अब आपको करना ये है कि ये 10 सेकंड जो रुकने के लिए बोल रहा है, और मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एक ऐप और एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसका नाम ADM बताया था मैंने। तो अब आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स में जाके आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्ट हुआ है
अब आपको करना ये है कि इसमें जाना है, उसमें मतलब आपकी जो लिंक है उसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जो फाइल यूआरएल आपको मिल रहा है उसे आपको कॉपी करना है। आप चाहे तो यही से भी डाउनलोड शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ी बड़ी जो फाइल होती है वो जनरली काफ़ी टाइम लेती है डाउनलोड होने में, और ये बहुत बार लिंक फेल होने के कारण आपका जो डाउनलोड हुआ है वो भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए एडीएम में जाके आपको वो जो लिंक है ये प्लस ऑप्शन में जाके, तो आपको यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट करना है और ये लिंक सिलेक्ट करनी है। तो ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपको दिखा रहा है कि नेम जो भी है वो और कितनी जी बी जगह उससे लगेगी। तो आपको यहाँ पे जो है उसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से प्ले करना है। तो आप जैसे ही प्ले करेंगे वो डाउनलोड शुरू कर देगा, और ये फाइल मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी थी इसलिए डाउनलोडेड दिखा रहा है। और आप स्टार्ट करने के बाद उसे डाउनलोड वो होते रहेगी डाउनलोड। आप जैसे ही उसे डाउनलोड स्टार्ट करते हैं वो जब डाउनलोड हो जाएगी वो आपको एक साउंड देगा और नोटिफिकेशन करके डाउनलोड कंप्लीट ऐसे करके बोल देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी जो वेब सीरीज़ और मूवीज़ है वो इसमें से डाउनलोड किए, और मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें ना ही तो डाउनलोड पॉज होता है या फिर आपको कोई मतलब ऐसी फेक मूवी भी नहीं मिलती। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो बस दोस्तों यही था हमारे आज के वीडियो के लिए। तो देखिए ये सारी मूवीज़, इंजॉय कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय।